हेलो दोस्तों, खुशामदीद। तो अभी मैं आ चुका हूँ रावलपिंडी डीएवी पॉइंट आप सभी लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज डीएवी पॉइंट का ओपनिंग सेरेमनी था। तो दोस्तों मैं सुबह इसलिए नहीं आया क्योंकि ना सुबह का यहाँ व्यू उतना अच्छा नहीं था। अभी बहुत अच्छा नाइट व्यू है, मैं आप सभी लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर गार्डन एंड यहाँ पर बहुत सारा फाउंटेन वगैरह भी बनाया गया। तो दोस्तों मैं आप सभी लोग को सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रावलपिंडी डीएवी पॉइंट। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग को मैं पिछले वाले वीडियो पे यहां का पोर्ट्रेट्स वगैरह सब तो दिखाई दिया हूं। अभी दोस्तों मैं आप सभी लोग को बाहर बाहर का दिखा देता हूं। ये रहा दोस्तों ये जो प्लेस में पार्किंग बनाया गया है, एंड उस साइड पर भी पार्किंग बनाया गया है। फिलहाल आप सभी लोग को मैं अंदर लेकर चलता हूँ एंड अंदर का कुछ सीन दिखाता हूँ। तो अंदर साइड पे ना बहुत ही बड़ा सा प्लेस पे बनाया गया है, एंड यहाँ पर बहुत सारा फ्लावर्स वगैरह भी प्लांट किया गया है। एंड बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन पे बॉल्स वगैरह भी बनाया गया है, जिसपे बहुत अच्छा अच्छा लाइट भी जल रहा है। फिलहाल आप सभी लोग को दोस्तों मैं अंदर लेकर चलता हूँ और आप सभी लोग को दिखाता हूँ। तो पहले दोस्तों ये देख लें, यहाँ पर जो बॉल्स लगाया गया है ना दोस्तों, वो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है। एंड आप सभी लोगों को मैं आगे लेकर चलूँगा और आगे दिखाऊंगा। बहुत अच्छा तरीका से प्लांटेशन वगैरह भी यहाँ पर किया गया है। फिलहाल आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर रूट पे दिखा देता हूँ, जहाँ पर पॉट्स वगैरह बहुत अच्छा तरीका से हैंग आउट किया गया है। एंड स्ट्रीट पर भी वही सेम है। फिलहाल आप सभी लोगों को मैं जब आगे लेकर चलूँगा तो वहाँ पर चिल्ड्रंस लोग के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया है, जो झूला वगैरह सब लाया गया है। आप सभी लोग यहाँ पर स्ट्रीट में देखेंगे तो फाउंटेन सब भी है। फिलहाल आप सभी लोग को मैं लेकर चलूँगा आगे। एंड आगे तो बहुत ही अच्छा अच्छा लाइटिंग वगैरह सब किया गया। तो यहाँ पर भी जैसा कि मैं आप सभी लोग को पीछे में दिखाया था, पॉट्स वगैरह हैंग आउट है, तो यहाँ पर भी वही सेम डिज़ाइन दिया गया है। फिलहाल आप सभी लोग को मैं यहाँ पर दिखा दूँ, जो कि लाइट वगैरह सो मस्त लगाया गया है। एंड यहाँ पर फाउंटेन 3 या 4 हो है। फिलहाल आप सभी लोग को मैं बोटिंग की तरफ लेकर चलता हूँ, जहाँ पर बोटिंग होने वाला है। और वहाँ पर ना दोस्तों वाटर के ऊपर एक ठो ब्रिज भी बनाया गया है, जो दिखने में काफ़ी अमेजिंग सा है। फिलहाल आप सभी लोग को मैं वहीं पर लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पे एंड तक बने रहें। एंड यहाँ पर आप ट्रीज़ वगैरह को सब देख ही सकते हैं, जहाँ पर ट्रीज़ वगैरह सब में भी लाइट लगाया गया है। एंड बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट किया गया है पॉन्ड्स को। एंड दोस्तों वहाँ पर जो देख रहे हैं ना, वहीं पर जस्ट चिल्ड्रंस वगैरह के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया है। फिलहाल आप सभी लोगों को मैं बोटिंग की तरफ लेकर चलता हूँ, जहाँ पर बोटिंग का बनाया गया है। फिलहाल आप सभी लोग यहाँ पर देखें, जहाँ पर लाइट्स वगैरह में सब भी छोटे छोटे लाइट्स वगैरह नीचे पर लगाया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी अमेजिंग सा लग रहा है। एंड यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक लोग आए हुए हैं। जब ये ओपन नहीं हुआ था ना, तो बहुत सारे पब्लिक लोग बाहर से ही आके बाहर चल जा रहे थे। मैं आया था यहाँ पर और आप सभी लोग को जो वीडियो दिखाया था डीएवी पॉइंट का, वो सभी बताया हूँ। दोस्तों अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाकर जल्द से जल्द देख ले। आप सभी लोग फाउंटेन को इंजॉय करें और कैसा लग रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। एनीवे आप सभी लोग तो फाउंटेन सब देख ही लिए हैं। अभी देखें दोस्तों ये गार्डन देख के बहुत वाइब्रेंट फील हो रहा है एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप सभी लोग भी यहाँ पर आए और मज़ा ले। फिलहाल आप सभी लोग देख सकते हैं नीचे पे कितना छोटा छोटा सा लाइट लगाया हुआ है इसको लाइटिंग देने के लिए। एंड बहुत ही मस्त सा नज़ारा है दोस्तों यहाँ पर का। आप सभी लोग को मैं आगे लेकर चलूँगा वहाँ पर बोटिंग की तरफ, जहाँ पर दोस्तों लाइटिंग को बहुत ही अच्छा तरीका से डेकोरेट किया गया है और बहुत सारा लाइट लगाया गया है उधर तरफ। फिलहाल दोस्तों आप सभी लोगों को मैं लेकर चल रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों आप मेरे अगर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। फिलहाल दोस्तों आप सभी लोगों को मैं ये गार्डन एक बार अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूँ दूर से, और फाउंटेन वगैरह भी। फिलहाल अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं। तो ये रहा वो लोकेशन डीएवी पॉइंट का, जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा ये प्लेस में। फिलहाल आप सभी लोग को भी ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत लगता होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर इंजॉय करें। आप सभी लोग देख सकते हैं ये वाटर के ऊपर ये पूल बनाया हुआ है, और दोस्तों इसके आगे भी और एक पूल बनाया गया दोस्तों, वो स्ट्रेट पूल है। वो स्ट्रेट पूल आप सभी लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो को पहले आप सभी लोग जल्द से जल्द लाइक करें। फिलहाल दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देखें ये पूल कितना अच्छा तरीके से बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा दोस्तों यहाँ पर खड़ा होने पर। एंड यहाँ पर वाटर का फुवारा भी आ रहा थोड़ा थोड़ा। फिलहाल आप सभी लोग देखें यहाँ पर वाटर फाउंटेन भी होगा साइड पे। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत ही बेटर फील हो रहा है, और यहाँ पर रावलपिंडी में ना बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेसेस बना दिया गया है। पार्क एंड पॉन्ड्स वगैरह को बहुत ही अच्छा तरीका से डेकोरेट कर दिया गया है। फिलहाल आप सभी लोग वहाँ पर प्लांट साइड में भी एक बहुत ही अच्छा तरीका से
पार्क बनाया गया है और शायद तक वहाँ भी बोटिंग वगैरह होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर दोस्तों कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वहाँ के बारे तो मैं आप सभी लोग को दे दूंगा। फिलहाल आप सभी लोग को मैं लेकर चलता हूँ आगे तरफ। दोस्तों यहाँ पर एक प्लेस बनाया गया है जहाँ पर अगर कुछ भी प्रोग्राम वगैरह का होने का रहा तो दोस्तों वहाँ पर हो सकता है। फिलहाल आप सभी लोग आगे पे देखते होंगे बहुत सारे स्ट्रीट पे लाइटिंग दिखता होगा, दोस्तों वही है स्ट्रीट पूल। आप सभी लोग को वहाँ पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों वो पूल बहुत ही अमेजिंग। एंड ये रहा डीएबी पॉइंट का और एक प्लेस। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर योगा वगैरह और या कुछ भी इवेंट जैसे कुछ हुआ तो वह सब यहाँ पर कराया जाएगा, जैसे कि हमारे राहुल किला फिटनेस पार्क पे अंदर पे बनाया गया है। फिलहाल आप सभी लोग को लेकर चलता हूँ आगे ब्रिज की तरफ। एंड ये रहा वो अमेजिंग प्लेस जो कि मैं आप सभी लोग को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों आप सभी लोग ये ब्रिज को देखें और जो कि पूरा स्ट्रेट जा रहा है एंड बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पर चलने पे भी। आप सभी लोग को मैं आगे दिखाता हूँ एक फाउंटेन एंड यहाँ पर एक टावर बनाया गया बहुत मस्त था। आप सभी लोग को वो टावर स्पेशली दिखा देता हूँ एक। मुझे ना वीडियो बना बना कर थोड़ा ठंडा लगने लगा, बट कोई नहीं दोस्तों। अगर आप मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नहीं पता आप किसका वेट कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग को मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा आप सभी लोग के लिए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।